बच्चों डू यू रिमेम्बर दिस गाय मिस्टर बेजवाड़ा विल्सन द रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर. व्हाई वाज ही अवार्डेड दिस प्रेस्टीजियस प्राइज? इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों मिला था? बिकॉज ही हैज डन अ सिग्निफिकेंट वर्क एन एक्सेलेंट वर्क इन रिमूविंग द बैड प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कवेंजिंग फ्रॉम इंडिया. आपको याद है ना हु विल डू दिस वर्क चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे बेटा आज भी हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में ड्राई लैटरिन्स होते हैं, पिट लैटरिन्स होते हैं, जहां पर बास्केट में जो है वो ह्यूमन डंग बेटा कलेक्ट होता है और उसे फिर उठा करके हाथों से कहीं और जाकर के एम्प्टी करना पड़ता है. तो इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए बेजवाड़ा विल्सन ने बेटा बहुत ही काम किया है. इस काम में जो लोग लगे हुए थे उनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी उन्होंने बेटा बहुत ही कमेंडेबल काम किया हुआ है. आज मैं आपको एक और रैमन मैग्सेसे अवार्ड विनर से मिलवाने जा रही हूं. ये है बच्चों राजेंद्र सिंह, हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ वाटरमैन ऑफ इंडिया. चलिए इनके लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं. बेटा व्हेन ही वॉज वेरी यंग एंड ही वॉज डूइंग हिज स्टडीज He came in contact with many organizations who used to work for the betterment of the society. ये बहुत सारे ऐसे organizations के contact में आए जो कि society, समाज के बेटा betterment के लिए काम कर रहे थे. यही नहीं इनके अपने teacher एक थे उनका भी बेटा बहुत प्रभाव इन पर पड़ा जिसकी वजह से इनके मन में एक आया कि he also has to do something सिग्निफिकेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. इनके दिमाग में आया कि इन्हें भी लोगों के जीवन को सुधारने के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है ना. तो इन्होंने भाई बहुत सारे काम करने शुरू किए और इन्हें बहुत सारा स्ट्रगल्स भी झेलना पड़ा, कई लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा. ठीक है, फिर तरुण भारत संघ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े. वहां भी शुरू शुरू में तो सब कुछ काफी अच्छा था, बाद में वहां पर भी बेटा थोड़ी सी दिक्कतें हो गई और तरुण भारत संघ जो है ये अकेले यही चलाना उसको शुरू किए, यही इसको बेटा गाइड करना शुरू किए, उसके कैप्टन जैसे बन गए, है ना. अब वहां पर भी बेटा उन्हें धीरे धीरे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लग गया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अगर करते हैं तो जो सीनियर ऑफिशियल्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है बेटा, उनको कोई मतलब नहीं, उनके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उनके तरफ से कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई योगदान नहीं. तो ये धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेट होने लगे तो अपने घर का सारा चीज बेच बाच करके, ठीक है, और एक बस में जाकर के लास्ट स्टॉप तक का, जो जहां तक बस जाती थी वहां तक का टिकट खरीद लिया और उस गांव में जाकर के बेटा वो रहने लग गए. पढ़ाई लिखाई में बेटा इन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई कर रखी थी तो उस गांव के लोगों ने धीरे धीरे इनको एक्सेप्ट किया और ये वहां पर अपने कुछ साथियों के साथ लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन से बेटा हेल्प करना शुरू किए. और यही नहीं, ये और इनके कलीग्स जो थे, इनके साथ काम करने वाले जो लोग थे उन्हें कलीग्स कहते हैं, वो लोग बेटा लोगों को जा करके अवेयर कर रहे थे, जागरूक बना रहे थे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. तो ये कहां को बिलोंग करते थे बेटा? ये राजस्थान, राजस्थान स्टेट के अलवर डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करते हैं. तो राजस्थान तो आपको पहले से ही पता है कि बेटा यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होती है. तो क्या हुआ कि उस गांव में जब ये और इनके दोस्त वगैरह जो है लोगों को शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे थे कि कैसे आप लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेशन कैसे हेल्प करता है, तो गांव का एक आदमी था बहुत चिढ़ गया. चिढ़ करके उनको बोलते हैं कि सुनो, शहर से आए हुए लोगों की तरह तुम भी जो हो ना खाली बैठ के यहाँ पर भाषण दे रहे हो, कुछ काम करना है ना तो ये भाषण देना छोड़ो, ठीक है, हमारे लिए रियल प्रॉब्लम जो है वो है पानी, पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पर, तुम अपने हाथों से मजदूरी करो, काम धाम करो, मेहनत करो, भाषणबाजी बंद करो तुम और यहाँ पे पानी वगैरह ला सकते हो तो लाओ जरा. अब ये बात इनको लगी कि हाँ बात तो ये बंदा ठीक कह रहा है, यहाँ के लोगों को भाई डिजीजेस से ज्यादा, एजुकेशन से ज्यादा पानी की तकलीफ है.
तो इन्होंने अपने साथियों से बात किया कि एक काम करते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से तो कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम ही लोग मिल करके हाथों में भाई कुदाल उठाए और गड्ढा खोदना शुरू करें, जोहड़ वगैरह जो पुराने थे उनको फिर से रिवाइव करें, जो भर गए हैं, सब में मिट्टी भर गया है, कचरा भर गया है, इन सारे को हटा हटा करके और फिर से हम लोग इन्हें रिवाइव करते हैं तो फिर से पानी जो है वो आ सकेगा। ये बात सुन के इनके जो बचे खुचे कोलीग्स जो इनका साथ दे रहे थे वो भी कट लिए, बोले भाई यहाँ तक तो ठीक था कि लोगों को हम लोग पढ़ा लिखा रहे थे, मेडिसिन से हेल्प कर रहे थे, अब तुम बोल रहे हो कि मजदूरी करें, ये भाई हमसे नहीं होना है। तो वो लोग भी इनका साथ छोड़ करके चले गए। तो ये सोचे क्या करें, फिर लोकल एक दो लोगों की मदद से ही बेटा इन्होंने खुद से जो है क्या किया कि गड्ढा जो था, पहले गड्ढा था और अब भर गया था, उस गड्ढे को फिर से इन्होंने खोदना शुरू किया। ठीक है, तो जब बारिश हुई तो उस साल उस गड्ढे में पानी टिक गया। तब लोगों को एहसास हुआ कि हाँ, जो हमारा पुराना सिस्टम था कि हम लोग गड्ढे खोद करके लेक्स, जोहड़, स्टेप वेल बनाया करते थे, वो सही में कामगर था। तो हम लोग क्यों ना गवर्नमेंट तो साथ देगी नहीं, राजेंद्र सिंह सर के साथ ही मिलकर के हम लोग सारे जोहड़ वगैरह को रिवाइव करते हैं। और बेटा इस तरह से इनका एक टीम बना और सब ने बेटा अपने से लेबर कंट्रीब्यूट किया। लेबर कंट्रीब्यूट करना मतलब बिना पैसे के सभी कोई ने श्रम दान किया, मेहनत किया, अपने से बेटा कुदाल चलाया, गड्ढा किया, बहुत सारे इन्होंने चेक डैम्स वगैरह भी बनाए, जोहड़ बना लिया, स्टेप वेल को रिवाइव कर लिया। और तुमको पता है उस जगह पर अब ढेर सारा पानी बेटा रहता है। और इन्होंने क्या किया, बहुत आश्चर्य की बात है, सुनोगे तो एक नदी थी वहां पर जो कि 60 ईयर से भी ज्यादा समय से बेटा इट हैड गॉन कंप्लीटली ड्राई, बिल्कुल सूख चुकी थी, इन्होंने बेटा उसको भी रिवाइव कर दिया। जिस नदी में 60 से ज्यादा सालों से पानी नहीं था, उस नदी में अब सालों भर आपको पानी मिलेगा। और बेटा ऐसे कई नदियों को उन्होंने फिर रिवाइव किया। तो अब जो है ना, आप इस एरिया में अगर जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पर बेटा खूब अच्छे से पेड़ पौधे उगे हुए हैं, खूब ग्रीनरी है, जोहड़ वगैरह सब में बेटा एम्पल सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो ये देखिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया, झगड़ा तो होता रहेगा गवर्नमेंट से, लेकिन लोगों ने फिलहाल मिलकर के बेटा वाटर हार्वेस्टिंग करके और उपाय निकाल लिया। बेटा एक इंसान जब इतना कर सकता है तो हम सभी मिलकर के कितना कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। हम अपने घर से ही अगर शुरुआत करें वाटर हार्वेस्टिंग की और अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस की, तो बेटा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है ना। अब इनसे बेटा बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और जहां पर भी पानी वगैरह का दिक्कत होता है तो लोग इनसे कंसल्टेशन वगैरह किया करते हैं, और ये उस जगह पर बेटा पानी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। मैं जरा एक छोटा सा इनका वीडियो क्लिपिंग है ये आप बच्चों को दिखा देना चाहती हूँ, तो आप लोग इसे देख ले। पहले बादल तो आते थे मेरे गांव में, पर रूठ कर चले जाते थे कहाँ, मैं नहीं जानता था। जब मैंने बादलों को परखना शुरू किया तो बादलों को पकड़ने लगा, फिर बादल बरसने लगे, जहाँ वो बरसते थे वहाँ पानी दौड़ कर चलता था, उसको रेंगना सिखाया, जहाँ वो रेंगने लगा वहाँ धरती का खुला पेट देखकर उसमें बैठाया, फिर उसको सूरज की नज़र न लगी वो उड़ा नहीं, जब पानी की ज़रूरत हुई तो उस पानी को निकाल के जीवन चलाया। तुम जानते हो भारत का 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर खाली हो गया है। भारत का जो असली बैंक है वो केवल पैसे वाला बैंक नहीं होता है, वो पानी वाला बैंक होता है। यदि भारत के धरती के पेट में पानी नहीं रहेगा तो ना तुम खेती कर सकोगे, ना व्यापार कर सकोगे, ना उद्योग कर सकोगे। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने बाथरूम में जाके कितना पानी उड़ेलते हो अपने शरीर पर,
फुहारा चलता रहता है, पानी बर्बाद होता रहता है, क्योंकि तुम्हें फ्री में मिल रहा है 4 रुपए में 1000 लीटर। पानी की कीमत रुपए में नहीं है, पानी की कीमत जीवन में है। हर एक बूंद का महत्व है, हर एक बूंद में प्राण है। भारत को यदि पानीदार रहना है तो वर्षा का जल सहेजना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज कह सकता हूं कि पिछले 36 सालों में 12 सूखी मरी हुई नदियों को लोगों की मेहनत से, बिना सरकारी पैसा लिए, लोगों के पसीने से पुनर्जीवित कर सका। जब मैं जवान था तो इस देश की किसी भी नदी में से पानी उठा के पी सकता था। आज इस देश में एक नदी ऐसी नहीं बची जिसका पानी उठा के पी सकते हैं। इसलिए नदियों पर संकट है, इस संकट से लड़ने के लिए हम सबको साथ आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। पानी का काम किसी एक का नहीं होता, अकेले का नहीं होता, सबका साझा होता है, इसलिए सबको लगना पड़ेगा। बच्चों, ये हैं दरकी माई, हु लिव्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इनके यहाँ भी पानी की बहुत गंभीर समस्या थी। औरतें जो हैं बेटा, उनका दिन भर का सारा समय घर संभालने में चला जाता था। उसके साथ साथ बेटा इन्हें पशुओं का भी केयर करना पड़ता था। एनिमल जो इन्होंने कैटल जो बेटा रखे हुए थे घर में, उसका केयर करने में भी इनका दिन भर का समय जो है वो चला जाता था। और रात के वक्त बेटा ये कुओं से पानी निकाल निकाल करके और अगले दिन के काम के लिए इकट्ठा किया करते थे। तो कभी कभी तो इनका रात भर का सारा समय भी बेटा पानी निकालने में ही चला जाता था। और जब गर्मियों के दिन आते थे तो कुओं में पानी ही सूख जाता था। तो अब अगर चाहें भी तो भी कुओं से पानी नहीं निकाल सकते थे। ऐसे सिचुएशन में दे हैड टू लीव द विलेजेस, इनको गांव छोड़ करके जाना पड़ता था। ठीक है, तो दरकी माई को राजेंद्र सिंह सर के तरुण भारत संघ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला और वो उनके पास गई हेल्प के लिए। और तरुण भारत संघ के साथ मिलकर के उस गांव के लोगों ने बेटा वहां पर लेक्स वगैरह बनाए, जिससे वहां पर अब पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। और एनिमल्स को भी बेटा फूड, वाटर सब कुछ अच्छे से मिलता है, क्रॉप्स भी लोग अच्छे से उगा पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एनिमल्स हेल्दी हैं, ठीक है, तो वो फूड को भी, मतलब मिल्क को बेटा वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो ये लोग जो है इनकी अर्निंग अच्छी हो रही है ना। तो अब ना तो इन्हें पानी की समस्या है और उसकी वजह से इन्हें अब गांव भी छोड़ के जाना नहीं पड़ता है। दूसरा बेटा, इनका अर्निंग जो है वो भी बढ़ गया है ना।